नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार शहर में एसडीएम रोशनी पाटीदार, तहसीलदार दिनेश उइके, नगर पालिका सीएमओ सहित नगर पालिका की टीम सड़कों पर उतरी। शहर के अत्यंत जर्जर हो चुके मंदिरों और भवनों को देखा गया। बेसमेंट में चल रहे संस्थानों पर कार्रवाई के लिए नगर पालिका के द्वारा आपको बता दें कि सर्वे प्रारंभ किया गया है। बेसमेंट में संचालित हो रही संस्थाओं की वस्तु स्थिति को देखा गया है, साथ ही पंचनामा बनाकर संबंधितों को सूचना भी दी गई है। जर्जर हो चुके मकानों को तोड़ने के लिए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मकान मालिकों को निर्माण तोड़ने के अल्टीमेटम दिए गए हैं। वही जो मंदिर के मालिक हैं, जो कि बाहर रह रहे हैं, उन्हें भी नोटिस जारी किए गए। इसको लेकर संबंधितों को सभी को नोटिस जारी किए गए। कल ताबड़तोड़ कई भवन मालिक एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम से चर्चा किए। वही एसडीएम ने सख्त लहजे में सभी को जर्जर भवनों को खुद स्वयं ही तोड़ने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि एसडीएम रोशनी पाटीदार आनंद चौपाटी स्थित मदन मोहन मंदिर सहित अन्य भवनों में भी गई, जहां पर उन्होंने वहां की वस्तु स्थिति देखी। वही राजबाड़ा चौक स्थित दुर्गा विनायक मंदिर में संचालित दुकानों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही जर्जर भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। बेसमेंट में चल रही संस्थाओं की भी एसडीएम के द्वारा जानकारी ली गई है। देखो, दिखे खबर है इसके पी लाइव न्यूज पर।